डिसीजन नहीं होता। ओ खैर देखते हैं पहले वीडियो फिर देते हैं इस पर एक्शन। वी मे बी स्मॉल बट दैट डजंट गिव यू द लाइसेंस टू बुली अस। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू को बड़ा झटका लगा है। मोइजू की अपने ही देश में जमकर किरकिरी हो गई है। राजधानी माले में जो मेयर का चुनाव हुआ उसमें मोइजू की पार्टी पीपल्स नेशनल कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा है। तो जो है अब ये कैसे हुआ है, क्या हुआ है? डेमोक्रेटिक पार्टी कैंडिडेट आदम अजीम हैज वन द मेयरल इलेक्शंस इन माले एंड इलेक्शन रिजल्ट्स आर बीइंग सीन एज अ मेजर सेटबैक फॉर द मालदीवियन प्रेसिडेंट। मैं समझता हूँ कि ये मालदीव की गवर्नमेंट बहुत बड़ी गलती करेगी। एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप जो होता है वही इम्पोर्टेंट होता है। आपके नेबरहुड में इंडिया बैठा हुआ है, आप इंडिया से सीख लें, बिल्कुल कट कॉपी पेस्ट कर लें उनका जो पैटर्न है कि डेमोक्रेसी उन्होंने इतने अरसे में कैसे चलाई है। लेकिन मालदीव्स के लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। मालदीव्स इतना छोटा मुल्क है, इंडिया उसको पनिश कर सकता है इन सो मेनी वेज के शायद मालदीव समझ भी ना सके कि उनके साथ हो क्या रहा है और वो उसका तरीका क्या है डेमोक्रेसी का। एक सिविल गवर्नमेंट की सुप्रीमेसी कैसे होनी चाहिए, अदालतों को कैसे काम करना चाहिए, मिलिट्री का क्या रोल है, मीडिया का क्या रोल है, उसके ऊपर सब आप बिल्कुल उनको फॉलो करके आप कर सकते। वो एक तरफ उन्होंने नरेंद्र मोदी की रिस्पेक्ट करते हुए या डरते हुए या वो जो एक भारत की तरफ से एक डिप्लोमेसी दिखाई गई जिसे हम कोर्ट्स ऑफ डिप्लोमेसी भी कह सकते हैं, वो पीछे हटे। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत और मालदीव में इन दिनों तनातनी चल रही है। इसी बीच मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू को बड़ा झटका लगा है। दरअसल भारत समर्थक विपक्षी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी ने राजधानी माले के मेयर चुनाव में बड़ी जीत हासिल की है। एमडीपी उम्मीदवार एडम अजीम को माले का नया मेयर चुन लिया गया है। यह पद अभी तक मोइजू के पास था, लेकिन मोइजू ने पिछले साल राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए इस पद से इस्तीफा दे दिया था। मोइजू चीन की 5 दिवसीय राजकीय यात्रा के बाद शनिवार को माले लौटे। उन्होंने मालदीव लौटते कहा कि हमें बुली करने का लाइसेंस किसी के पास नहीं है। मोइजू ने कहा कि हम भले ही छोटा देश हो सकते हैं, लेकिन इससे किसी को भी हमें बुली करने का लाइसेंस नहीं मिलता। भारत के खिलाफ बयान देने के बाद मोइजू को बड़ा झटका लगा है। मोहम्मद मोइजू को यह बयान काफी भारी पड़ा है। मोहम्मद मोइजू की पार्टी माले के मेयर के चुनाव हार गई है और ये मालदीव राष्ट्रपति के लिए बड़ा झटका है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक सो मच। डेवलपमेंट हुई थी और जब आई थिंक जो मालदीव के प्रेसिडेंट जो थे जब वो पहुंचे तो उन्होंने आके जो खिताब किया जो एयरपोर्ट पे थे आई थिंक समवेयर, तो उन्होंने ये कहा कि हम अपनी जो डिपेंडेंस है इन टर्म्स ऑफ हेल्थ केयर वो भारत से कम करेंगे। और उन्होंने भारत का नाम भी नहीं लिया और उन्होंने कहा कि हम ये बुलिंग बर्दाश्त नहीं करेंगे और अपनी डिपेंडेंस भी कम करेंगे। मैं समझता हूँ कि मालदीव की जो लीडरशिप है वो एक तरफ उन्होंने नरेंद्र मोदी की रिस्पेक्ट करते हुए या डरते हुए या वो जो एक भारत की तरफ से एक डिप्लोमेसी दिखाई गई जिसे हम कोर्ट्स ऑफ डिप्लोमेसी भी कह सकते हैं, वो पीछे हटे और उन्होंने जो उनके लोगों ने गलत किया उस पे बहुत सारे लोगों ने कहा अपोलोजाइज करें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चाइना ने इनको बहुत सारी एश्योरेंसेस दिलाई हैं। ये बगैर चाइना की एश्योरेंसेस के जो 5 दिन के लिए इन्होंने वो रह के आए वहाँ पे, मैं समझता हूँ कि ये मालदीव्स की गवर्नमेंट बहुत बड़ी गलती करेगी। एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप जो होता है वही इम्पोर्टेंट होता है। अगर फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि हम अपनी ड्रग्स इंपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है, दैट्स फाइन। लेकिन अगर वो कम्प्लीटली ये कहते हैं कि जनाब हमें तो परवाह ही कोई नहीं है और हम जो अपनी मर्ज़ी करेंगे, करें ज़रूर अपनी मर्ज़ी। अब जो उन्होंने कहा है कि जी हम उनकी मिलिट्री के लोग यहाँ से निकल जाएं तो निकल जाएं, ठीक है, आपका हक है, आप एक सॉवरन मुल्क हैं, लेकिन वो गलती करेंगे। शायद मालदीव्स ये समझता है कि वो मुश्किल वक्त गुजर गया है। सो रिमेंबर वन थिंग, मालदीव्स हैज़ बिकम अ सीरियस टॉपिक इन इंडिया।
कल उन्होंने आए हैं तो एक छोटी सी डिस्कशन शुरू हो गई, ठीक है जी। जो मालदीव्स के प्रेसिडेंट ने, जैसे ही वो चाइना से आए तो उन्होंने जो मीडिया से खिताब किया उस हवाले से, इसको इंडियन मीडिया ने बहुत ज़्यादा कवरेज दी, ठीक है जनाब। और जैसे ही आज का ये इंसिडेंट हुआ जिसमें उन्होंने कहा है कि भाई आप अपने लोग यहाँ से निकालें, तो इसको भी समझ जाएं कि ये एक तरफ से तो उनको ब्रीफ किया गया है कि वो जो वाकया हुआ था जिसमें 3 जूनियर मालदीव्स के मिनिस्टर ने प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे डेरोगेटरी रिमार्क्स इस्तेमाल किए, इट सीम्स लगता ये है कि समहाउ जो अश्योरेंसेस उनको चाइना से मिली हैं उन अश्योरेंसेस की वजह से ये कॉन्फिडेंस है, ठीक है जी। वो कहते हैं कि 88 इंडियन मिलिट्री पर्सनल मालदीव्स के अंदर है। ये कोई बहुत बड़े तो नहीं है, लेकिन इंडिया के अंदर जारी बात है मालदीव भी तो छोटा सा है, ठीक है जी। वो कहते हैं जी कि और 2 एक हेलीकॉप्टर थे। इंडियंस कहते हैं कि ये जो हेलीकॉप्टर थे ये बेसिकली उनकी उनकी हेल्प के लिए थे, क्योंकि वहाँ पे लोगों को मेडिकल की और बाकी चीज़ों की ज़रूरत होती थी। लेकिन मालदीव्स के लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। मालदीव्स इतना छोटा मुल्क है, इंडिया उसको पनिश कर सकता है इन सो मेनी वेज के शायद मालदीव समझ भी न सके कि उनके साथ हो क्या रहा है। लगता ये है कि अगर जो जो इंडियन सरकार है वो, आप देखिए इंडिया के अंदर दिन बड़े इंपॉर्टेंट है, 21 को आई थिंक 21 को वो राम मंदिर का अफ्तिताह भी करने जा रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी चीज करेंगे राइट नाउ जिससे डायरेक्शन या चीज हो। अच्छा, बिगनिंग में तो हमें लगा कि शायद जी जिना साहब ने पाकिस्तान बनाया और बिल्कुल अच्छा किया, और अभी जो हालात भी हैं हम हिंदुस्तान में खास तौर पे देखते हैं, हम कहते हैं अल्लाह का शुक्र है चलो वी हैव अवर ओन कंट्री, बट देयर इज अ वे टू रन द कंट्री, राइट। हर किसी को अपने इंस्टीट्यूशन को अपनी जगह पे रहना पड़ेगा, बच्चों को स्कूलों कॉलेजों में रहना पड़ेगा, ब्यूरोक्रेसी को अपने ऑफिसेज में रह के पॉलिसीज बनाने पड़ेंगे, पॉलिटिशियंस को पार्लियामेंट के अंदर रहना पड़ेगा, और मिलिट्री को बैरक्स में रहना पड़ेगा, मुल्ला जो है उसको मस्जिद में रहना पड़ेगा। इस वक्त आपके मुल्क में एक खिचड़ी बनी हुई है, ऊपर से जो आपके कुछ एम्बिशियस या जिसको हम कह सकते हैं ओवर एम्बिशियस जर्नैल जो हैं, वो आपकी इतनी पढ़ी लिखी जो आपकी कौम है उसको हंकने की कोशिश करते हैं, उसको चलाने की कोशिश करते हैं, तो उसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। अच्छा, मतलब खुद आप खुद कह रहे हैं कि खुद नीम अनपढ़ जाहिल टाइप है, पढ़े लिखों को सबक सिखाने के चक्कर में है, बिल्कुल ठीक है जी। अब देखें आप, तो अब इसका आपने पूछा मुझे कि सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन सर वो एक 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 बड़ा लतीफा आया था कि किसी ने कहा पाकिस्तान को कि भाई ये तुम कर लो, तो पाकिस्तानियों ने, वो जो रिसर्चर थे, उन्होंने कहा क्यों ये चाइना ने किया है, नहीं चाइना ने किया, अमेरिका ने किया है, नहीं फ्रांस ने किया है, नहीं, उन्होंने कहा जी अगर उन्होंने किया तो हम कैसे करेंगे। अच्छा, आपको मुल्क चलाने के लिए ना ज्यादा तकलीफ करने की जरूरत नहीं है, आपके नेबरहुड में इंडिया बैठा हुआ है, आप इंडिया से सीख लें, बिल्कुल कट कॉपी पेस्ट कर लें उनका जो पैटर्न है कि डेमोक्रेसी उन्होंने इतने अरसे में कैसे चलाई है, और वो उसका तरीका क्या है डेमोक्रेसी का, एक सिविल गवर्नमेंट की सुप्रीमेसी कैसे होनी चाहिए, अदालतों को कैसे काम करना चाहिए, मिलिट्री का क्या रोल है, मीडिया का क्या रोल है, उसके ऊपर सब आप बिल्कुल। तो ये दोस्तों वीडियो हो गई खत्म। ये बात वो किस तरीके से कोरिलेट करती है भाई कि जब यूएस आर नेवी ने रेड सी में ऑपरेशन करना था तो उससे पहले ब्लिंकन ने एंटोनी ब्लिंकन की और डॉक्टर एस शंकर की एक तस्वीर वायरल होती है जहां वो एक दूसरे से मुलाकात कर रहे हैं, और उसके बाद मतलब ये ऑपरेशन शुरू हो जाता है रेड सी के अंदर उसी बागियों के खिलाफ है, यूके और यूएसए की जो मिलिट्री है रेड सी के अंदर। अच्छा, एक बात मुझे समझ नहीं आई, एक बात भाई ये ठीक है, ये जो 9 डॉट जो बैठा भाई बोल रहा था उधर IMF से पैसे मिलते हैं, इधर पाकिस्तान अपनी रेड सी में नेवी उतार देता है, यानी कि अमेरिका के इशारों पर हमारे सारे के सारे फैसले होते हैं। तो ये अभी भी तो हम क्यों कहते हैं कि हम आजाद हैं, अभी भी शक है यार, क्या कह सकते हैं, शक नहीं है, बेशर्मी है। मुझे तो ईरान की आवाम की सोच पे अभी तक भी आपको यकीन नहीं आ रहा, ये तो 1947 से लेके कलवे चाट रहे हैं, इनके पास तो वो पुरुष है जो घिसते ही नहीं, बगैर पालश के वो उनके ऐसी ताकत उस बुरश के अंदर वो बूट ऐसे चमका देते हैं ना, ऐसे रगड़ा लगाते हैं ना। यूएसए के हमारे एस्टैब्लिशमेंट के पास वो है, मतलब एक बुरश है जो यूएसए के
रगड़ रगड़ के थकते नहीं भाई, वो एस्टेब्लिशमेंट को कहते हैं पाकिस्तानी आवाम जो है उसको नौजवानों को पता नहीं है, हम जो फैसले करते हैं वो सही करते हैं, हम फैसले करते हैं पाकिस्तान के हक में करते हैं जिससे पाकिस्तान के आने वाले दिनों में फायदे होते हैं और जो पाकिस्तान की सलामती के लिए। अच्छा मुझे ये बता दे 1947 टिक्के खां को लेके अब तक अगर आज जनरल जो बैठे मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, इस चक्कर मुझे एक ही बता दे जिसने पाकिस्तान की तकदीर बदलने की कोशिश की हो या बदली हो या कोई मांगा तांगा पैसा कभी लगाया हो, कभी सेहत पे काम किया हो, कभी IIT पे काम किया हो, एजुकेशन पे किया हो, कभी आवाम के नौजवानों के बारे में सोचा, कोई मंशूर लेके आए हो मुझे बता दे, कोई सियासतदान इनमें से भुट्टू जरदारी ये वो या तेरी स्टैबलिश मुझे एक ही बता दे। नहीं आप मतलब अच्छा आप क्या लगता है भाई और दूसरे मेरे भाई बैठे हैं कि इंडिया की मर्जी से दुनिया के अब फैसले हो रहे हैं? जब एक कंट्री इतनी ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहा है, सारी कंट्री के साथ तजारत कर रही है, और दूसरी बात है कि जो कोई कंपनियां वहां इन्वेस्ट कर रही है वहां कोई सिक्योरिटी इशू भी नहीं है, ये जो एक हकीकत बात जो मैं कर रहा हूँ, मैं ना भी बोलूँ सारी दुनिया जानती है, तो फिर मशवरा करना तो बड़ा कि हम तब्दील हो चुके हैं, ये तो हम नजर हमें आ रहा है, ये पहले वाला इंडिया नहीं है, ये पहले वाला इंडिया नहीं है। ऐसे ही है जिस तरह लोग अंकल ने एक वीडियो में कहा था कि ये पहले वाला इंडिया नहीं है, पहले होता था कि मतलब कि एक थप्पड़ मारते थे ना लोग तो हम दूसरा चेहरा दूसरी साइड कर लेते थे, इधर ये स्ट्रेटजी थी गांधी साहब की, लेकिन वो कहते हैं अब इंडिया तब्दील हो चुका है, बाकी देखने में पता लगा है बाकी ये हकीकत आपको यहां क्या देखता है तो इंडिया क्या आंखों में आंखें डालता है। ऐसे ही है डॉक्टर शंकर ने कहा था और यूरोप के बैठ कर जिस जो वो कह रहे वी हैव चेंज, उन्होंने कहा था कि ये अब यूरोप ये ना समझे कि सारे यूरोप का मसला पूरी दुनिया का मसला है, बल्कि पूरी दुनिया का मसला यूरोप का अपना मसला समझना चाहिए। अब भाई इंडिया जो है ना इस वक्त अपने पाँव पे खड़ा है यार, और जो अपने पाँव पे मेहनत के बलबोते पे अपने पाँव पे खड़ा होता है तो वो किसी के सामने झुकता नहीं है, जैसे इंडिया अपनी मेहनत की होती है भाई उसको अपने आप पे नाज होता है, और दूसरी तरफ आप पाकिस्तान का हिसाब लगा लें कि हर अले गहरे के सामने लेट जाता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई कौन यार हमारा एक मिनट मेरे भाई इस तरह देखें हमारे आप देखें कि हमारा वजीर आजम चलो जो भी है जिस तरह का भी है वो एक नाम के गया है, उसने काम कुछ भी नहीं किया, वो तो देख लें आर्मी चीफ गया ना अमेरिका में तो उसकी मैंने एक तस्वीर देखी कि वो आर्मी चीफ के पीछे खड़ा हुआ दांत निकाल रहा था, वजीर आजम हमारा अच्छा आर्मी चीफ आगे से जो है ना उसके अगला जो उनका मिनिस्टर था भी जो भी था उससे बातचीत कर रहा अच्छा था। इंडिया में एक और बात खास देखी है, इंडिया के अंदर जो चौकीदार है वो चौकीदार है, जो घर का मालिक है वो घर का मालिक है, जिनकी जो जो डोमेन है वो अपने डोमेन में है, आर्मी चीफ है तो वो सिर्फ सिक्योरिटी के लिए है, अगर आर्मी है तो सिक्योरिटी के लिए है, अगर उनके PM है तो वो ही रिप्रेजेंटेटिव है, उनकी तरक्की का राज है भाई, इसी वजह से वो तरक्की कर रहे हैं कि हर बंदा जो उसको दायरा दिया गया वो अपने दायरा इख्तियार में रह के अपना काम सरंजाम दे रहा है, किस वजह से वो आगे बढ़े तो हमारा क्या है, हमारी कोई पता नहीं, जिसको जो काम दिया जाता है वो अपना काम छोड़ के किसी और जगह पे घुसा पड़ा होता है, ऐसे ही है और यही है जाएगा यही खिचड़ी पकती रहेगी हमारे यहाँ। खैर मिलता नहीं मुझे मनाने तब तक दीजिए इजाजत अल्लाह।